बाद बिल्ला एंड करिश्मा भी एस हिट सॉन्ग आज मैं सपनों के राज फ्रेंड्स, इंडियन सिनेमा की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपने फोर्थ वीक में भी काफी शानदार कमाई कर रही है और हॉलीवुड की बिगी डॉक्टर स्ट्रेंज से मिल रहे कंपटीशन के बावजूद भी इस फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस अपने 23वें और अपने 24वें दिन अपडेट होकर आ रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग है। और इसी के साथ दोस्तों, ये फिल्म इंडियन हिस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉकिंग स्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों, इस फिल्म के एरिया वाइज टोटल बॉक्स ऑफिस के बारे में और बात करने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म के लाइफ टाइम के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी रॉकिंग स्टार यश, सुपरस्टार संजय दत्त, रवीना टंडन के डाहर फैंस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 जिसे कि बॉक्स ऑफिस पर इंडिया में 7000 स्क्रीन्स और दुनिया भर में 4000 स्क्रीन्स यानी कि 11000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। दोस्तों, बताते चले आपको कि केजीएफ चैप्टर 2 जिसका बजट सिर्फ 100 करोड़ रुपए का था, इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 170 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेकर अपने बजट को पहले ही दिन रिकवर कर लिया था। ऑडियंस की तरफ से मिले हुए आउटस्टैंडिंग रिव्यूज की वजह से दोस्तों, ये फिल्म अपने पहले ही वीकेंड में 546 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी। अपने पहले हफ्ते में इस फिल्म के जो कलेक्शन थे वो 750 करोड़ रुपए के रहे और इस फिल्म ने ट्रिपल आर जैसी बड़ी फिल्म के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ऑडियंस को दोस्तों इस फिल्म में रॉकी भाई का स्वैग, उनका एक्शन, उनकी डायलॉगबाजी काफी पसंद आई। साथ ही साथ दोस्तों, संजय दत्त का अधीरा वाला लुक, उनका एक्शन और उनके भी जो डायलॉग्स है वो इस फिल्म में काफी पावरफुल और बेहतरीन है। यही वजह है दोस्तों कि केजीएफ चैप्टर 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपने सेकंड वीक में भी काफी अच्छी कमाई करने में कामयाब रही और इस फिल्म का शुरुआती दो हफ्तों का जो टोटल कलेक्शन था वो 997 करोड़ रुपए का दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर रहा। अपने तीसरे हफ्ते में दोस्तों, ये फिल्म 1100 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होने वाली इंडियन सिनेमा की चौथी सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई और हिंदी बॉक्स ऑफिस पर तो दोस्तों ये फिल्म बॉलीवुड की सभी बड़ी फिल्मों को धूल चटा चुकी थी। अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के अभी तक के टोटल की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि अपने शुरुआती तीन हफ्तों तक इस फिल्म ने जहां हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 397 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी, तो वहीं दोस्तों इस फिल्म का तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन था वो 135 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। तमिल बॉक्स ऑफिस पर भी दोस्तों ये फिल्म 105 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी। साथ ही साथ दोस्तों, कन्नड़ा और मलयालम बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो कलेक्शन था वो 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। दोस्तों बताते चले आपको कि केजीएफ चैप्टर 2 इंडियन हिस्ट्री की पहली ऐसी फिल्म है जिसने कि इंडिया की चार बड़ी लैंग्वेजेस में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की हो और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने बाहुबली 2 और ट्रिपल आर के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिया है। अगर बात की जाए इस फिल्म के फोर्थ वीक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों इस हफ्ते इस फिल्म के सामने मार्वल्स की बिगी फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 के पास आज लगभग 2000 स्क्रीन्स इंडिया में है और इन 2000 स्क्रीन्स पर दोस्तों ये फिल्म सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई करती हुई नजर आ रही है। और अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के 23वें दिन के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि अपने 23वें दिन इस फिल्म ने जहां हिंदी में 3.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की और 400 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली, तो वहीं दोस्तों इस फिल्म का तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा को मिलाकर अपने 23वें दिन का जो कलेक्शन है वो लगभग 8 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुका था। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 10 करोड़ रुपए के आंकड़े को अपने 23वें दिन पार कर चुकी थी, जिससे कि इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1120 करोड़ रुपए का हो चुका है और यह फिल्म दोस्तों ट्रिपल आर के रिकॉर्ड्स को अब जल्द ही तोड़ने वाली है। बात की जाए आज के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों ऑडियंस की तरफ से आज भी इस फिल्म को काफी शानदार रेस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस फिल्म की स्क्रीन खा ली है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों ये फिल्म आज अपने 24वें दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जहां 5 करोड़ रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का आज का कलेक्शन 12 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का टोटल 1132 करोड़ रुपए का दुनिया भर में हो चुका होगा और मात्र 100 करोड़ रुपए के बेट से बनने वाली दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली फिल्म बन चुकी होगी और इंडिया में ही दोस्तों इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो लगभग 940 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका होगा। जल्द ही दोस्तों
दोस्तों ये फिल्म सिर्फ इंडिया में ही 1000 करोड़ की कमाई करने वाली इंडिया की दूसरी फिल्म बन चुकी होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 का इंडिया से जो कलेक्शन है वो 1000 करोड़ का हो पाएगा या नहीं, और क्या ये फिल्म दुनिया भर में 1200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स